हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है पाइल्स, जिसे हेमरॉइड्स भी बोलते हैं। पाइल्स जो है वो इनफ्लेम और सोलन कलेक्शन हो जाती है टिश्यूज़ की एलन एरिया में। ये डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं, ये इंटरनल होते हैं या एक्सटर्नल। जो इंटरनल पाइल्स हैं वो नॉर्मली लोकेट होते हैं 2 to 4 सेंटीमीटर अबव द जो ओपनिंग होती है एनस की, और ये मोर कॉमन टाइप है। जो एक्सटर्नल पाइल्स है वो आउटसाइड द एज ऑफ द एनस होती है। पाइल्स होता कैसे है? अगर किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, क्रॉनिक डायरिया है, अगर वो हैवी वेट को लिफ्ट करता है या प्रेगनेंसी हो तब भी हो सकती है। डॉक्टर इसे डायग्नोज तभी कर सकता है जब वो पाइल्स को एग्जामिन करेगा। हेमरॉइड को हम ग्रेडेड में स्केल में जो है वो मेज़र करते हैं। 1 to 4 इसका ग्रेड होता है। 3 to 4 जो है इसमें सर्जरी जो है वो नेसेसरी होती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स जो होते हैं वो पाइल्स के वो सीरियस नहीं होते, ये नॉर्मली रिजॉल्व हो जाते हैं अपने आप फ्यू डेज के बाद। एन इंडिविजुअल विद पाइल्स उसने एक्सपीरियंस किया होता है फॉलोइंग सिम्टम्स को। अ हार्ड पॉसिबली पेनफुल लम्ब होता है अराउंड द एनस। ये कंटेन करता है कोएगुलेटेड ब्लड। पाइल्स में जो ब्लड आता है उसे कहते हैं एक्सटर्नल हेमरॉइड। पाइल्स दैट कंटेन ब्लड कॉल्ड थ्रोम्बोस्ट एक्सटर्नल हेमरॉइड्स। आफ्टर पासिंग अ स्टूल पर्सन फील करता है, एक्सपीरियंस करता है कि उसका बाउल जो है वो स्टिल अभी फुल है, एम्प्टी नहीं हुआ। अगर ब्राइट रेड ब्लड विजिबल हो आफ्टर बाउल मूवमेंट, एरिया जो होता है अराउंड द एनस वो हो जाता है इची, रेड एंड सोर। पेन होती है ड्यूरिंग पासिंग द स्टूल। पाइल्स अगर सीवियर हो जाए उस कंडीशन में एक्सेसिव एनल ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से अनीमिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, फीकल इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, और इनएबिलिटी हो जाती है बाउल के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ एनल फिस्चुला। एनल फिस्चुला में क्या होता है? न्यू चैनल क्रिएट हो जाता है बिटवीन द सरफेस ऑफ द स्किन या फिर नियर द एनस, जो इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रैंगुलेटेड हेमरॉइड्स। इसमें क्या होता है? जो हेमरॉइड की ब्लड सप्लाई होती है वो कट ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं, वो हैं इन्फेक्शन एंड ब्लड क्लॉट। आई होप हेमरॉइड से रिलेटेड आपको ये इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल लगी हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसके ग्रेडेड शेयर करूंगी और इसका ट्रीटमेंट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। ऑलराइट ऑलराइट।